So I'm super duper excited because I'm going for a holiday. मुझे 23,000 रुपीस का गिफ्ट मिला है. What? Hey guys, welcome back to my channel Ruchi Style Corner. तो आज मैं व्लॉग कर रही हूँ और मुंबई में अभी बारिश हो रही है. आप लोग मुझे बताओ, आप लोगों के सिटीज में या आपके एरिया में बारिश होना स्टार्ट हुई कि नहीं हुई? क्योंकि बहुत सारे लोग मुझे नीचे कमेंट में कंप्लेन कर रहे थे जब मैंने बारिश वाला वीडियो डाला था कि हमारे यहाँ बारिश अभी तक स्टार्ट नहीं हुई है. डू लेट मी नो आपके यहाँ बारिश स्टार्ट हुई है या नहीं है. अभी भी बाहर बारिश हो रही है. अभी मैं जा रही हूँ नीचे थोड़े से काम से. आने के बाद मैं आपको बताऊंगी कि मैं क्यों गई थी. नीचे वाले स्टोर पर जा रही हूँ, मेरे बिल्डिंग के बिल्कुल नीचे. मैं इनफैक्ट उन स्टोर के सेकेंड फ्लोर पे रहती हूँ. तो यस, मैं वहाँ जा रही हूँ काम से और वहाँ से आने के बाद आई लेट यू नो कि मैं क्यों गई थी. सो या लेट्स गो. हे गाइस, तो अभी मैं नीचे जा रही हूँ और बारिश हो रही है. मैं आपको दिखाती हूँ एक मिनट. बहुत सारे लोग मुझसे नीचे कमेंट करके एंड इंस्टा पे मैसेज करके पूछ रहे हैं कि मैं अपने QOD का रिजल्ट बताऊं, बिकॉज ये थ्री मंथ से ज़्यादा हो चुका है. ऑलमोस्ट 3+ months हो चुके हैं. तो ओके, आई थिंक दिस इज़ द बेस्ट टाइम टू गिव यू अ प्रॉपर रिव्यू कि मेरा QOD का एक्सपीरियंस कैसा रहा है, बिकॉज मैंने भी फर्स्ट टाइम ही करवाया था. मैं आपको पास से अपने बालों का टेक्स्चर दिखाती हूँ. अभी आज ही मैंने वॉश किया है. ये जो आप मेरे बेबी हेयर देख रहे हैं, ये दिख रहे हैं आपको, वेवीनेस आ रही है यहाँ पर. एंड इनके जो मेरे बाल हैं, इन सब में वेवीनेस आ गई है. हल्की हल्की सी वेव्स आए हैं, बहुत वेव्स नहीं आए हैं. से नीचे का ये स्टिल एज इट इज स्ट्रेट है. तो ये चीज़ मुझे पहले से पता था कि ये कोई स्ट्रेटनिंग ट्रीटमेंट नहीं है. और उन्होंने पहले ही मुझे बता दिया था कि आपके बालों का टेक्सचर ही सिर्फ 40-50% ही चेंज करता है. मेजरली जो ये काम करता है वो ये है कि आपके बालों को नरिशमेंट दिया जाता है, आपके बालों को प्रोटीन दिया जाता है. जो आपके बाल इतने डल हो जाते हैं, स्प्लिट एंड्स होते हैं, और आपके बाल जो ख़राब और डैमेज हो जाते हैं, तो ये एक्स्ट्रा प्रोटीन हम लोग देते हैं थ्रू QOD ट्रीटमेंट. तो एज सच मैं ये बोलूँगी कि ये ऑब्वियसली 3 months में मेरे बाल अगर मैं स्मूदनिंग या स्ट्रेटनिंग करवाती हूँ तो मेरे ये सब बाल बहुत स्ट्रेट रहते हैं, बहुत एक्सट्रीम स्ट्रेट रहते हैं. लेकिन QOD में ये 3 months में ही ऑलमोस्ट वापस से मेरे बाल जो हैं यहाँ के वेव्स आने लग गए हैं इस तरफ के हेयर में. अदरवाइज मेरे जो हेयर क्वालिटी है, दैट इज़ मेरा जो हेयर टेक्स्चर है, वो ऑलरेडी सेमी स्ट्रेट आप बोल सकते हो, वेवी नहीं बोलूँगी, सेमी स्ट्रेट है. यहाँ का मेरा हमेशा से ही प्रॉब्लम होता था और बाकी नीचे से शुरू से ही मेरे बाल स्ट्रेट रहे हैं. एंड मैं रेकमेंड करती हूँ कि नहीं, येस, इससे 2-3 बेनिफिट्स ये हुए हैं कि मेरा जो हेयर फॉल है वो बहुत एक्सटेंड तक कम हो गया है. बारिश के टाइम पे, बारिश स्टार्ट होते टाइम और बारिश के सीज़न में बहुत ज़्यादा मेरे को हेयर फॉल होता था, मतलब बंच में निकलते थे. जबकि मैं तो काफ़ी होम रेमेडीज़ करती रहती हूँ, फिर भी निकलते थे. तो मुझे ऐसा लगता था बारिश का सीज़न है, इसमें निकलना ही होता है. तो गैस निकलते थे, बट अभी जो है बंच में नहीं निकलता है, एक आध तो निकलता रहता है, दैट्स वेरी नॉर्मल. बट हाँ, हेयरफॉल जो है वो काफ़ी एक्सटेंड तक मेरा कम हुआ है. मेरे हेयर की जो क्वालिटी है वो बहुत अच्छी हो गई है. मतलब 5-6 बार केमिकल ट्रीटमेंट करवाने के बावजूद माई हेयर आर स्टिल वेरी गुड, शाइनी और काफ़ी अच्छे लगते हैं. तो आई थिंक डैमेज्ड नहीं लगते हैं, प्रॉपर हेल्दी हेयर लगते हैं. तो यस, QOD से बेनिफिट हुआ है. येस, दिस इज़ एन एक्सपेंसिव वन. ये एक्सपेंसिव है, मतलब 10-12,000 रुपीज़ का होता है, तो इट इज़ वेरी एक्सपेंसिव. अब बट आई थिंक इट इज़ वर्थ द प्राइस. आप साल में एक बार करवा सकते हैं अगर आपके बाल बहुत ज़्यादा डैमेज हैं तो. अब क्योंकि मेरा जो यहाँ से है और सारा ट्रीटमेंट चला गया है, अगेन फ्रिजीनेस हल्की हल्की यहाँ पे आ गई है, और जो छोटे छोटे बेबी हेयर हैं वो पूरे मेरे यहाँ पर रहते हैं, तो उसके लिए मैं ये कर सकती हूँ कि जो अपना यहाँ का मेरा जो क्राउन सेक्शन है वहाँ पर मैं टचअप करवा सकती हूँ. तो वो काफ़ी कम प्राइस में होगा. चाहे तो मैं 16 का टचअप करा सकती हूँ, या फिर मैं कैरेटिन का टचअप करवा सकती हूँ, या फिर मैं QOD का ही टचअप करवा सकती हूँ. वो लेट्स सी, मैं देखूँगी किसका मुझे टचअप करवाना है. बट यस, मैं टचअप करवाऊँगी सिर्फ इतने इतने पोर्शन में. जब भी करवाऊँगी मैं आप लोगों के साथ शेयर ज़रूर करूँगी. ओके, और अभी मैं क्या करने वाली हूँ, अभी मुझे थोड़ी सी पैकिंग करनी है क्योंकि मैं कहीं पर जा रही हूँ. आई एम सो एक्साइटेड अबाउट दैट. सो आई जस्ट रिसीव दिस थिंग. दिस इज़ द मोस्ट एक्सपेंसिव PR प्रोडक्ट विच आई रिसीव्ड. लाइक अभी तक जितने भी मेरी YouTube की जर्नी है उसमें सबसे ज़्यादा एक्सपेंसिव चीज़ जो मुझे मिली है वो ये है. सो आई लेट यू नो, इसको मैं आपको बताऊँगी एंड में. उसके बाद मुझे आपसे 2-3 चीज़ें डिस्कस करनी है. फर्स्ट ऑफ ऑल ये कि मुझसे बहुत सारे Instagram पे मेरे पास मैसेजेस आते हैं और मेरे पास मेल आते हैं रिगार्डिंग
जो यूट्यूबर्स हैं जिन्होंने अपना चैनल स्टार्ट किया है या जो इंस्टाग्राम पे पेज जिन्होंने स्टार्ट किया है, पेज तो नहीं बट हाँ यूट्यूब के लिए मेरे पास काफ़ी मैसेजेस आते हैं कि आप हमारा जो चैनल है वो प्रमोट कर दीजिए या आप अपने इंस्टाग्राम स्टोरी पर डाल दीजिए या आप अपने कम्युनिटी टैब में डाल दीजिए या आप ये कर दीजिए, अपना नाम ले लीजिए. पहली चीज़ तो ये, मेरा सब लोगों से ये क्वेश्चन है कि मैंने अगर सपोज अपनी स्टोरी में, इंस्टा की स्टोरी में एक दिन के लिए सिर्फ शेयर कर भी दिया जो कि हार्डली 24 आवर्स के लिए रहती है, तो उससे क्या होगा. एंड यू नो अगर मैं दो चार लोगों का कर भी दूँ तो आई गॉट नंबर ऑफ मैसेजेस रिगार्डिंग दिस थिंग, और इवन मेरे पास मेल्स आती है और वो मेल्स इस तरह से होती है, सम पीपल रिक्वेस्ट नहीं करते, दे बेग फॉर इट कि प्लीज़ 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 हमारा चैनल सब्सक्राइब, हमारे चैनल को प्रमोट कर दीजिए, प्लीज़ 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 नहीं तो मेरा लाइफ खराब हो जाएगा, इस तरह से बेग करते हैं. दिस इज़ नॉट राइट. फर्स्ट ऑफ ऑल मेरा मन होता है तो मैं करती हूँ, अदरवाइज मैं नहीं करती हूँ, क्योंकि इतने सारे लोग हैं मैं एक एक का प्रमोट डेफिनेटली नहीं कर सकती हूँ. एंड मैं एक और चीज़ अपने एक्सपीरियंस से आपको ये बोलना चाहूँगी कि दिस इज़ नॉट द राइट वे एज वेल. इससे कुछ फ़ायदा नहीं होगा. ज़्यादा से ज़्यादा ये होगा कि आपको सिर्फ 5 या 6 सब्सक्राइबर मिल जाएंगे, बट अगर मेरा कंटेंट अच्छा नहीं होगा तो वो शायद सिर्फ देख के चले जाएंगे मेरे चैनल पे से. तो आपने ये चीज़ नोटिस किया होगा, मैं कभी भी अपने चैनल पे आकर के मैं ये ज़रूर बोल देती हूँ कि कंसिडर सब्सक्राइबिंग टू माई चैनल बिकॉज मैं ये वीडियोज़ बनाती हूँ, या फिर एंड में मैं ये बोल देती हूँ इफ़ यू लाइक माई वीडियो डू सब्सक्राइब टू माई चैनल एंड कॉमेंट डाउन बिलो, ऐसे करके. बट आई नेवर बेग, मैं कभी बेग नहीं करती हूँ कि मैं कॉन्टेंट बना रही हूँ, आप मेरा वीडियो देख के चले जाते हो, आप सब्सक्राइब क्यों नहीं कर रहे हो. मैं ये क्वेश्चन पूछ ही नहीं सकती आपसे क्योंकि मैं भी बहुत सारे चैनल को देखती हूँ, सबको मैं सब्सक्राइब नहीं करती हूँ. तो इट इज़ अप टू यू. मैं ये सोच लेती हूँ कि अगर सामने वाला इंसान मेरा वीडियो देख रहा है और वो फिर भी मुझे सब्सक्राइब नहीं कर रहा है, दैट मीन्स देर इज समथिंग मिसिंग. कुछ तो है, या तो कंटेंट वाइज मेरे में मिसिंग है या फिर वो सामने वाले को मेरे से कनेक्टिविटी फील नहीं हुई है इसलिए मेरा वो ऑब्वियसली सब्सक्राइब नहीं कर रहा है. तो इट्स रेदर देन आप अपना बस काम करते जाओ, डोंट गेट इन टू यू नो ऑल दीज थिंग्स कि आप इसको पूछो, उसको पूछो, इसको पूछो, उसको पूछो, इसे कुछ नहीं होने वाला है, ट्रस्ट मी. सो डोंट गेट इन टू ऑल दीज थिंग्स और अपना पॉजिटिवली काम करिए. तो मैं ज़्यादा दिन के लिए नहीं जा रही हूँ, इट्स जस्ट लाइक अ गेट अवे, वीकेंड गेट अवे आप बोल सकते हो. तो बहुत सारे कपड़े नहीं रखना है, सिर्फ 2-3 या 4 मैं पैर रखूंगी. तो आई शो यू, आई एम गोइंग टू कीप माई दिस शॉर्ट्स. तो आई कीप दिस प्राइमर बेनिफिट का, देन कंसीलर मैक का कॉम्पैक्ट पाउडर, और ये लूज पाउडर है जो कि क्राइलन का है, डर्मा कलर का है फिक्सिंग पाउडर, वो मैंने इसमें ट्रांसफ़र कर लिया है और वो रखा है. देन उसके बाद एक हाईलाइटर बेनेटिंट रखा है, एंड देन दिस नायका की लिपस्टिक, आप देख सकते हो मैं कितना यूज़ करती हूँ, और एक लैकमे का लिपस्टिक दैट्स इट. सो और एक ब्रश रखा है, सो यही मैंने अपने मेकअप में रखा है. सो आई रिसीव दिस प्रोडक्ट, मैं आपको इसको ओपन करके बताती हूँ. फर्स्ट ऑफ ऑल द पैकेजिंग इज रियली रियली गुड, ये काफ़ी अच्छी पैकेजिंग में आया है और प्लास्टिक बैग हम लोगों ने यूज़ नहीं किया है, कपड़े के बैग में मुझे भेजा है, सो दिस इज़ वेरी वेरी इंप्रेसिव. तो ये मैंने परचेस नहीं किया है, ये मुझे ब्रांड ने भेजा है फॉर रिव्यू पर्पज और यूज़ करके देखने के लिए कि कैसा है. तो अभी तो मैंने इसको आए हुए एटलिंक 5-6 days हुए हैं. येस मैं इसको चार्ज भी कर चुकी हूँ और एक दो बार यूज़ कर चुकी हूँ, बट अगर आपको प्रॉपर इसका रिव्यू देखना है कि ये फेस पे कैसा असर कर रहा है, बिकॉज इसके रिव्यूज़ आर लिटरली वेरी 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 गुड, बट जेन्युइनली मुझे नोटिस करना है, चेक करना है कि एक्चुअली में ये वर्क करता है कि नहीं करता है. तो मैं आई थिंक 1-2 months यूज़ करने के बाद आपको प्रॉपर इसका रिव्यू दे पाऊँगी. 1 month भी आई थिंक इज़ इनफ.
है फोरियो का लूना मिनी 2। बेसिकली ये एक फेस क्लेंजिंग ब्रश है। आप लोगों को पता होगा मेरे पास ब्रॉन का फेस क्लेंजिंग ब्रश है। जिन लोगों की स्किन ऑयली है उनको तो कंपल्सरली इसको लेना ही लेना चाहिए, बिकॉज आपके हाथ इतने अच्छे से क्लीनिंग नहीं कर पाते हैं आपकी फेस का जो ब्रशेस कर सकता है। तो मैं पहले ब्रॉन का ब्रश यूज़ करती थी, वो भी एक्सपेंसिव ही है, आई मीन 4000 तक का आता है वो। तो इसको मैं ओपन करके दिखाती हूँ, ये अलग अलग वेरिएंट्स में आता है। तो ये स्पेशली है फॉर एक्ने प्रोन स्किन और सेंसिटिव स्किन। तो ऐसे नॉर्मल स्किन का आता है, ऑयली स्किन का आता है, कॉम्बिनेशन स्किन का आता है। तो जब भी आपको चूज़ करना है आपको देख के चूज़ करना है, बिकॉज अलग अलग वेरिएंट्स में आता है। तो मेरा जो आया है दैट इज़ फॉर एक्ने प्रोन स्किन और सेंसिटिव स्किन। 99.5% का डर्ट जो है आपकी स्किन पे रहता है वो पूरा ये निकाल देता है, ऑयल निकाल देता है आपके फेस से, और साथ ही साथ मेकअप रेसिड्यूज जो होता है वो भी ये पूरा आपकी स्किन से निकालता है। आपकी स्किन की विजिबिलिटी को ये काफ़ी स्मूथ करता है, जो फाइन लाइंस होती हैं उसको ये कम करता है। बेसिकली ये काम ही आपकी क्लेंज करता है स्किन को और एजिंग को कम करता है, इसका मेन पर्पस ये है। और इसमें ये भी क्लेम किया हुआ है कि 90% ऑफ वेमेन अग्री दैट देयर स्किन लुक्स मोर फर्मर एंड मोर इलास्टिक आफ्टर यूजिंग दिस। सो आई एम सो एक्साइटेड कि मेरी स्किन पे इसका रिजल्ट कैसा होने वाला है। तो मैं आपको ओपन करके दिखाती हूँ। तो इस तरह के बॉक्स में ये मेरे पास आया है। दिस इज अ ब्यूटिफुल पर्पल कलर। ये इसका चार्जर है और इस एक पाउच उन लोगों ने दिया हुआ है ताकि आपका जो प्रोडक्ट है वो सेफली आप इसके अंदर रख सकें। दिस इज वाटर प्रूफ, एब्सोल्यूट वाटर प्रूफ। और ये मैंने इसको ऑन कर दिया, ये वाइब्रेट होता है इस तरह से। और यहाँ पर आप देखेंगे तो ये प्लस का साइन है और ये माइनस का साइन है। तो आप इसकी स्पीड बढ़ा सकते हैं और यहाँ पर आप इसकी स्पीड कम कर सकते हैं। सही देख रहे हैं आप, जो अपनी स्किन की अच्छे से क्लीनिंग कर लेंगे, वॉश कर लेंगे अपने फेस को, देन यहाँ पर जो आप मॉइस्चराइजर लगाते हैं या आप जो भी क्रीम लगाते हैं उससे आपको लगा करके मसाज करनी है। तो दिस वर्क्स लाइक एन एंटी एजिंग, ये एंटी एजिंग का काम करेगा आपके फेस पे। और ये जो है ये आपके क्लेंजिंग का काम करेगा। के आसपास सिफोरा है तो आप सिफोरा में विजिट करिएगा, ये प्रोडक्ट सिफोरा में अवेलेबल है इंडिया में। आई रियली लाइक दिस प्रोडक्ट और मैं इसको यूज़ करके प्रॉपर ऑनेस्ट जो रिव्यू होता है वो दूंगी। मैं जा रही हूँ कहाँ उसके लिए आपको देखना पड़ेगा नेक्स्ट व्लॉग। और आज का जो वीडियो है बहुत ज़्यादा बड़ा नहीं है, छोटा है। मैं छोटे व्लॉग ही बना रही हूँ, मतलब 15 मिनट्स मैक्स टू मैक्स, बहुत बड़े बड़े नहीं बना रही हूँ मैं। तो आज का जो वीडियो है वो मैं यहीं खत्म करती हूँ। आई होप आपको मेरा वीडियो पसंद आया होगा। अगर पसंद आया है देन डू नॉट फॉरगेट टू हिट द लाइक बटन, सब्सक्राइब टू माई चैनल एंड कॉमेंट डाउन बिलो। एंड आई मीट यू इन माई नेक्स्ट वीडियो। टिल देन बाय।